गूगल मैप में, मैंने इसलिए चेक कर लिया था पहले, तो वहां पर ओपन बता रहा था यार। क्या करते हैं अभी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मतलब जब किस्मत खराब होती है ना तो ऐसी होती है कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो राइट नाउ मैं हूँ शांति वन बस स्टैंड पे, एंड मेरे बगल में शांति वन है। और अभी मैंने गूगल मैप पे चेक किया है, मान लीजिए अराउंड 1.2 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो पैदल ही निकल रहा हूँ। और भाई साहब जैकेट पहन के आया था, बैग में डाल दी जैकेट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फटाफट से चलते हैं पैदल पैदल राजघाट, क्योंकि अभी शाम के 3 से ज़्यादा हो गए हैं और के 6 बजे तक बंद हो जाता है शायद। शांतिवन दोस्तों नॉर्मल सा पार्क है, देख सकते हैं बगल में जो चल रहा है, ठीक है। ये रोड सीधा जाता है राजघाट की तरफ। आए थे राजघाट में एक बार पहले भी विजिट किया था, मतलब स्टार्टिंग करी थी ब्लॉगिंग तब मैंने विजिट किया था राजघाट। और अभी तो अभी जा रहा हूँ इतने दिनों बाद, तो क्या चल रहा है दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव और मजेदार भी होने वाला है। यहाँ पर फोटो शूट भी कर रहे हैं, ये देखो। बेसिकली दोस्तों शांति वन में जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पीछे पूरा शांति वन का इलाका चल रहा है अभी, ठीक है। A few inches later. ये देखो यार शक्ति स्थल, इसका गेट भी बंद है। और वहाँ पर जो अंकल थे वो बता रहे हैं कि राजघाट सब कुछ बंद चल रहा है। भाई अभी मैं रास्ते में चल रहा था राजघाट वाले, और यहाँ जो नज़ारे हैं ना वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग है एकदम। मतलब जहाँ पर ग्रीनरी वगैरह रहती है वहाँ पर तो अच्छा लगता ही है। राजघाट भी बंद है, शक्ति स्थल भी बंद है, और जो हमारा जो एक पार्क था, अंकल बता रहे थे जो आइसक्रीम वाले हैं, उन्होंने बताया कि बहुत दिनों से बंद चल रहा है। गूगल मैप में तो ओपन दिखा रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद बंद मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, घूम लिए। और आगे मैं देख रहा हूँ जैसे कि वीर भूमि का बोर्ड दिख रहा है मुझे, वो भी शायद आई थिंक ये भी बंद ही है। देखो ये वीर भूमि, ये भी बंद है। नहीं कोई बात नहीं, नहीं मिली एंट्री, बंद चल रहा है। कभी और आएंगे, कभी और आपको दिखाएंगे। और बाकी हमारे चैनल पर राजघाट का ब्लॉग पड़ा हुआ है, अगर आपको देखना होगा तो आई बटन पर आ रहा होगा, देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी वैसे मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। सनम गांधी म्यूजियम, अभी मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा चलो वो सब बंद है तो यहीं दिखा देते हैं, और ये भी बंद हो गया भाई। 5 बज गए हैं शाम के, ये अंकल बोल रहे हैं कि बंद हो गया जी, अभी अभी बंद हुआ जस्ट अभी, कोई रास्ता ही नहीं दिखता इस टाइम पे। मेरे को लग रहा है मैं क्या दिखाऊं आपको ब्लॉग में। गांधी म्यूजियम अभी अभी बंद हो गया। अब मैं जा रहा हूं उधर की तरफ, बस स्टॉप है वहां से देखता हूं रेड फोर्ट की बस लेता हूं, नहीं तो अगर रेड फोर्ट की बस नहीं मिलेगी तो पैदल ही पैदल निकल लूंगा। यहां से 1.6 किलोमीटर दिखा रहा है तो पैदल ही जा रहा हूं। और मैं सोच रहा था इंडिया गेट जाने के लिए, लेकिन इंडिया गेट यहां से ज्यादा दिखा रहा है और बस स्टॉप भी थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ लाल किले निकल लेता हूँ, वहाँ से फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वहाँ पर पहुँच करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। इन सब जगह पर मैं देख रहा हूँ यार लोग फोटो शूट के लिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार। एक बात तो है यार, जब भी मैं कहीं ब्लॉग बनाने निकलता हूँ या कहीं मतलब घूमने के लिए निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा पैदल चल लेता हूँ। ऐसा सीन आज भी मेरे साथ हुआ है, आज भी मैं बहुत ज़्यादा पैदल चल लिया और जहाँ गया बंद, जहाँ गया बंद। A few moments later. तो लो जी वापिस से मैं उसी पार्क में आ गया जहाँ पर हमेशा से आता हूँ, मतलब जब भी मैं चांदनी चौक आता हूँ ना इस पार्क में आ जाता हूँ। और जब मैं निकल रहा था राजघाट के लिए तो इस वाले पार्क में आया था, भाई साहब पूरा फुल एकदम पैक पड़ा था। अभी तो सब लोग चले गए हैं देखिए, मतलब पूरा खाली हो गया है। तो अब यहाँ से मैं फटाफट से जैकेट पहन लेता हूँ, जैकेट मैंने उतार दी थी जब मैं पैदल चल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। जैकेट वगैरह पहन के फिर निकलता हूँ मैं नई दिल्ली नहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, वहाँ से बस लेते हैं फिर जाते हैं घर। और आज तो पोपट हो ही गया है, कोई बात नहीं, होता है यार जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो ऐसा तो होता रहता है।
लो भाई मैंने जैकेट पहन ली एकदम, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, वहां से डायरेक्ट बस मिल जाती है बदरपुर बॉर्डर की 405A जो कि बन के चलती है वहीं से, तो आई होप वहां से हमें मिल जाएगी बस। दैट्स ऑल गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, और अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन वाले बस स्टॉप पे, तो यहां से पकड़ते हैं फटाफट से बस और इस ब्लॉग में यहां पर खत्म करते हैं, कभी और आएंगे राजघाट कवर कर लेंगे, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।